भगवान जगन्नाथ की कथा। भगवान जगन्नाथ भगवान कृष्ण का ही एक रूप है। भगवान जगन्नाथ के बारे में बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने एक महान जल प्रलय के माध्यम से यदुवंश का अंत किया। अब भगवान कृष्ण के लिए सांसारिक दुनिया को छोड़ने और द्वापर युग का अंत करने का समय आ गया था। इस प्रक्रिया में वह द्वारका के पास के जंगलों में भटक रहे थे। तब जरा नाम के एक आदिवासी शिकारी ने उन्हें अनजाने में हिरण समझकर अपने तीर से मारा। जब जरा को अपनी गलती के बारे में पता चला तो वह रोने लगा। उसने भगवान कृष्ण से क्षमा करने के लिए कहा। भगवान कृष्ण ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि यह घटना उनके अवतार को समाप्त करने के लिए पहले से ही निर्धारित थी। भगवान कृष्ण ने जरा को अपने शरीर को जलाने और राख को समुद्र में विसर्जित करने के लिए कहा, लेकिन जरा उनके शरीर को पूरी तरह से जला नहीं सका। कहा जाता है कि इस आग में उनका दिल व नाभि का भाग जला नहीं था। हालांकि जैसा आदेश दिया गया था, जरा ने कृष्ण के अवशेषों को समुद्र में विसर्जित कर दिया। यही अवशेष एक दिव्य लकड़ी के रूप में परिवर्तित हो गए और तैरते हुए पुरी के समुद्र तट पर जा पहुंचे। अवंती के राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न में आकर भगवान जगन्नाथ ने दर्शन दिए और कहा कि द्वारका से तैरकर आया लकड़ी का बड़ा लट्ठा पुरी के समुद्र तट पर पहुंचा है। तुम उस लट्ठे से भगवान की प्रतिमा बनवाओ और एक वैभवशाली मंदिर में स्थापित कराओ। राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान का आदेश पाकर पुरी के तट पर उस लट्ठे की खोज करा ली, लेकिन कोई भी इस लट्ठे को हिला नहीं सका। तब राजा ने भगवान नील माधव के परम भक्त विश्ववसु की सहायता ली। विश्ववसु ने उस लट्ठे को बड़ी आसानी से उठा लिया और उसे नगर में पहुंचा दिया। अब राजा को यह चिंता हुई कि भगवान जगन्नाथ के वास्तविक स्वरूप को कैसे इस लट्ठे पर बनाया जाए। राजा ने बहुत से प्रसिद्ध बढ़ई और शिल्पियों को यह कार्य सौंप दिया, लेकिन कोई भी उस लट्ठे पर छेनी तक नहीं चला पाया। तब स्वयं भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े शिल्पी के वेश में आकर राजा के दरबार में पहुंचे और कहा, राजन, मैं एक शिल्पी हूं। मैंने सुना है कि आप भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बनवाना चाहते हैं। मैं आपकी सेवा के लिए तैयार हूं। लेकिन वह शिल्पी बड़ा बूढ़ा था। वह तो बगैर लाठी के चल भी नहीं सकता था। इसलिए सभी दरबारी कानाफूसी करने लगे कि यह क्या खाक मूर्तियां बनाएगा। लेकिन राजा ने उसी को काम सौंप दिया। उस बूढ़े शिल्पी ने पहले राजा के सामने कुछ शर्तें रखी और कहा, महाराज, मैं 21 दिन में भगवान की मूर्ति बनाकर तैयार कर दूंगा, लेकिन जब तक मैं ये मूर्तियां बनाता रहूं तब तक कोई मेरे पास न आने पाए। मैं एक बंद घर में बैठकर अकेला ही मूर्तियां बनाऊंगा। जब मेरा काम समाप्त हो जाएगा तो मैं खुद किवाड़ खोलकर बाहर आ जाऊंगा, लेकिन इस बीच में कोई मुझे न छेड़े, नहीं तो काम पूरा नहीं होगा। राजा ने उसकी शर्तें मान ली, लेकिन दरबारियों ने मन में सोचा कि देखें यह बूढ़ा अंधेरे में बैठकर कैसे मूर्तियां बनाता है। क्या यह डरता है कि मूर्तियों को नजर लग जाएगी? राजा ने शिल्पी के लिए एक घर बनवा दिया। वृद्ध उस लट्ठे को लेकर घर में बैठ गया और अंदर से सारे दरवाजे बंद कर लिए। यों ही कई दिन बीत गए। वृद्ध खाना खाने के लिए भी घर से बाहर नहीं आता था। अंदर से केवल छेने, हथौड़े, आरी चलने की आवाजें आती। कुछ दिन बाद ये आवाजें आनी भी बंद हो गई। आखिर कुछ शिल्पियों के मन में इच्छा पैदा हुई कि जाकर देखें बूढ़ा अंदर कर क्या रहा है। उन्होंने घर के पास जाकर बड़ी देर तक किवाड़ के छेदों से कान लगाकर सुना, लेकिन उन्हें किसी तरह की आहट सुनाई नहीं पड़ी। उस घर के अंदर सन्नाटा छाया हुआ था। तब उन्होंने राजा के पास जाकर कहा, महाराज, लगता है वह बूढ़ा उस घर में है ही नहीं। उस घर में तो किसी तरह की आहट ही नहीं सुनाई देती। कहीं वह बूढ़ा चकमा देकर भाग न गया हो।
लेकिन राजा को तो उस बूढ़े पर पूरा विश्वास था, इसलिए उसने उन चुगलखोरों को खूब फटकारा। वे अपना सामान लेकर चले गए। इसी तरह कुछ दिन और बीत गए, लेकिन बूढ़े के घर के किवाड़ अब भी नहीं खुले। तब फिर कुछ शिल्पियों ने जाकर राजा से कहा, राजन, बूढ़े के घर में तो बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है, कहीं बूढ़ा भूख से मर तो नहीं गया? उसे कुछ न कुछ तो जरूर हो गया होगा, नहीं तो अब तक तो मूर्तियां बन चुकी होती। इस बार राजा को सचमुच चिंता होने लगी। इस तरह दिन रात कान भरते रहने से राजा का धीरज भी टूट गया। तब राजा ने बूढ़े के घर के पास जाकर खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं था। तब राजा ने निराश होकर जबरदस्ती दरवाजा खुलवाया, लेकिन अंदर जाकर देखने पर आश्चर्य, न यहाँ वह बूढ़ा शिल्पी ही था, न वह लकड़ी का लट्ठा ही। वहां तीन सुंदर मूर्तियां रखी हुई थी। उन मूर्तियों का रूप देखकर राजा मोहित हो गया, लेकिन इतने में उसे मालूम हुआ कि उन मूर्तियों के न हाथ हैं न पैर, ये कैसी मूर्तियां हैं? राजा को अपने उतावलेपन पर बहुत पश्चाताप हुआ कि उस बूढ़े शिल्पी पर विश्वास न करके 21 दिन पूरे होने से पहले ही उसके कार्य में बाधा डाली। राजा ने दुखी होकर प्राण त्यागने का निश्चय किया। तभी एक सूक्ष्म आवाज ने घोषणा की, हे राजा, तुमने नाहक उतावली की, आपने अपना वादा तोड़ दिया है, समय से पहले दरवाजा खोल दिया, लेकिन अफसोस न करें, अब मैं स्वयं को इसी रूप में भक्तों के सामने प्रकट करूंगा। मेरी यथाविधि स्थापना करो और पूजा अर्चना शुरू करो। महाराज को अपनी भूल मालूम हो गई, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। उन्होंने तुरंत सागर किनारे पुरी में, जहां उन्हें यह लकड़ी का लट्ठा मिला था, एक बड़ा भव्य मंदिर बनवाया। उस मंदिर में उन्होंने भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम की तीनों मूर्तियों की प्रतिष्ठा करवाई। उसी दिन से उड़ीसा का जगन्नाथ पुरी बड़ा तीर्थ स्थान बन गया। आज भी भारत के कोने कोने से लाखों लोग हर साल जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। प्रिय श्रोताओं, आज की कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ, परिवारजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही रोचक कहानियाँ हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।